दर्शकों ब्रेक तो बाद साहब का भरपूर स्वागत है। सो थर्ड वाले सैगमेंट के आप गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह राजस्थान सरकार के एक आदेश मुताबक राजस्थान के स्कूलों में जो ऑप्शनल जुबाना उर्दू सिंधी और पंजाबी हटा के उसकी थान संस्कृत जो है पढ़ाई जाएगी। सो कश्मीर में पहला ही हिंदी और डोगरी थोप दिता गया है। सो इस बारे विचार चर्चा हो जा रही है। सो असं चाहेंगे कि तुम साल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखने सुनने थोड़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने देखो अक्सर मैं उस फ्रीलैंस थिंकर राइटर मिलान कुंद्रा का ये कोट दोहरांदा है और जिहड़ा टॉपिक अंडर डिस्कशन है उहदे च वी ये रेलेवेंट है और मैं समझदा भी जिहड़ी गल रेलेवेंट हुंदी है जिन्नी वार भी दोहराई जाए उहदा एक अपना असर हुंदा है और गल समझ भी आउंदी है। जिहदे च उहने कहा कि द फस्ट स्टैप टूवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. और conclusion कहंदा भी जिहड़ी असल लड़ाई है वो memory against forgetting है। हुण जिहड़ी भी जदों असी जिहड़ी है बुक्स दी जां कल्चर जां हिस्ट्री दी गल करदे हैं उस दे विच तुहाडी मादरी जबान मां बोली जिहनूं कहा जांदा है मदर टंग उहदा बहुत वड्डा रोल हुंदा है। जदों तुसीं अपनी मां दी जबान तों अपनी मादरी जबान तों जिहड़ा उह विछड़ जांदे हो जां तुहाडी जिंदगी च उस तों इक विथ पैंदी है हौली 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 तुसी गवाचते जाते हो। इहदा मतलब ये नहीं हुंदा भी तुसी दूसरियां जबाना नहीं सीखते जां तुहानू नहीं सीखणियां चाहीदियां। रादर रिसर्च ने ये पॉइंट आउट किया है भी जिहड़े घरां दे विच बच्चे दे नाल मापिओ मादरी जबान बोलते ईवन इन्हां मुल्कां च भी उहनां दा दूसरियां जबाना सीखण जां दूसरी इंटैलीजेंस दे विच ये गल मददगार साबित हुंदी है। इस लई बाईलिंगुअल और उसनू एनकरेज किया जाता है। इतने हुण स्कूलों कहिंदे ने भी घरां च बच्चों के नाल तुसी एक पीरियड सी अज तो 30-40 साल पहला कि जे वो उतों के अनघड़े जे अंग्रेजी टीचर मापिओ नू ही कहिंदे सी जी भावें अनपढ़ ने मापिओ जी तुसी अंग्रेजी बोलिया करो तां ही इंप्रूव हुंदा है ना। और स्कूलों के फाइन रखे होंगे ने कि जी जिहड़ा अंग्रेजी की थां पंजाबी जां हिंदी बोले हिंदी तां हुण उहनां दी नैशनल लैंग्वेज उहनू फाइन करदे। हुण इह तां एक गुलामी चों निकलिया वरतारा सी और जे तुसीं अंग्रेज़ां दा देखो भी उन्होंने किवें आ के हौली हौली उस खिते चों जिथे जदों असीं सिख राज दी गल करदे हां पंजाब दे दौर दौरे च महाराजा रणजीत सिंह पीरियड दी सरकारी जबान फारसी सी किवें उन्होंने सिस्टेमैटिकली अरबी फारसी उस सारे नूं पासे कीता और इधर जिहड़ा और पंजाब दे हवाले नाल इस गल दा उन्होंने ध्यान रखिया कि पंजाबी नूं एनकरेज नहीं कीता। हालांकि सिंध दे स्कूलां च सिंधी रही बंगाल दे विच बंगला सी दूजा इधर जिहड़ा हुण क्योंकि जदों तुसीं इक सारी उस गेम नूं देखदे हो पिछले कॉलोनियल दौर दी तां बड़ी सिस्टेमैटिकली क्योंकि उह वी खौफजदा सी पंजाब दी ताकत तों। और एक बहुत अच्छी वीडियो मैं एक दिन दिखावांगा भी उत्थे एक बीबी क्यानी करके ने खोजो दे थल्ले उन्होंने जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दौर दी एजुकेशन सिस्टम दा उहदे च जिक्र है कि किवें किन्ने परसेंट लोग जिहड़े ने उह पढ़ लिख सकदे सी उह पंजाबी होए फारसी होए और जिहड़ियां जबानां लोकां दीआं मदर टंग सी उहदे च किवें कायदे बनाए गए अल्फाबैट वंडे गए फ्री और उन्हां उस पीरियड दे पंजाब दे विच जिहड़ा जिहड़ा लिटरेसी रेट है वह इंग्लिश यूरोप दे नालों भी बैटर सी ये उन्हां दा कंकलूजन है। और इस दे उत्ते ईवन पाकिस्तानी रिसर्चर्स ने लिखिया पर ये अज दा सबजैक्ट नहीं है। मैं ये दसना चाहुंदा हां भी हुण जिन्हां दे हाथ च पावर आई अज ही नहीं ईवन पिछले 72 साल तो असीं देखदे हां हुण एक वड्डा हिस्सा अज 200 मिलियन दे करीब मुसलमान ने भारत दे विच और कल्ली उर्दू जबान कोई मुसलमाना दी जबान नहीं सी जिस दे विच जे तुसी देखो कि उस खिते दी जबान सी एक लैंग्वेज जिहड़ी के अंग्रेज़ां ने भी बेशक स्क्रिप्ट रोमन कर दित्ती पर जिहड़ी जबान कम्युनिकेशन दी सी उर्दू सी और किवें जिहड़ा उस दे विच उस अमीर खुसरो तो लै के किस कदर एक अदब और दूजा लेकिन एक कांग्रेस हारा नहरू खुद अपने उस तीन मूर्ति भवन च इलाहाबाद च जां दिल्ली च बैठ के
जड़ियाँ वो शायरां दियाँ महफलां करदा उर्दू पोइट्री का शौकीन सी कदे वो फिराक गोरखपुरी है साहिर लुधियानवी है जा फैज़ अहमद फैज़ जेडे पहले पीरियड दे रहे ने उन्हां दे नाल परसनल लैवल दे उत्ते एक एडमिरेशन लाइन सी लेकिन तुसी देखो कि सिस्टेमैटिकली उर्दू का उन्होंने देखा कि भई ये हुण जे इस्लाम का प्रभाव पंजाबी की गल तो असीं अक्सर करते हैं कि भई इन्होंने किवें अड अड सूबे बनाए जबाना के आधार पर जिहड़ा 1950 शुरू हो गया तमिल मद्रास कट के तमिलनाडु बना दिता है नेशन ऑफ द तमिल तेलगू आंध्र प्रदेश की जबान तेलगू कन्नड़ कनाडा कर्नाटका की मलयालम केरला की इस तरह जिहड़ा बॉम्बे से उन्हें महाराष्ट्र और गुजरात मराठी बेस सूबा इधर गुजराती बेस सूबा लेकिन जो पंजाबी की वारी आए कहते ये तो गंवारों की भाषा है लैंग्वेज ऑफ द इलिटरेट किवें सिखा ने ही स्ट्रगल की भारतीय कब्जे वाले पंजाब पंजाबी हिंदू तो मुकर गए वह कहते जी हिंदी साड़ी मदर टंग है और वो पंजाबी बोल के हिंदी अपनी लिखाते सके जी असी उन्होंने मतलब इस कदर वो ये हो गया कि भाई उन्होंने पंजाबी दे नालों ही अपना नाता तोड़ लिया ऐसे कपुत्तर जमे लेकिन बन गया फिर इन्होंने यकीनी बनाया भी उन्होंने लागू ना किया जाए लेकिन ये बावजूद जो पंजाबी सूबा बन गया हूँ वड्डी पॉपुलेशन सिखां दी जिहड़ी सी मिलियन तो ज़्यादा हरियाणे च भी हिमाचल च भी राजस्थान च भी मिलियन डेढ़ मिलियन और दूसरा और ये बहुत सारिया थावां ते होर भी सी सो जिहड़ा उन्होंने फॉर्मूला लिया एक थ्री लैंगुएज फॉर्मूला ये उन्होंने लिया जिहड़ा रीजनेबल सी और उहदे च इह सी कि मदर टंग दे विच पढ़ाई शुरू कराओ पहली तो चौथी दे विच फोर्थ क्लास दे विच नैशनल लैंग्वेज जिहड़ी हिंदी थोपी गई हालांकि हिंदी भारत दे विच 29% तो ज़्यादा लोगों की बोली नहीं है ले और इनू भी बोली अंग्रेज़ों ने 19th century अवधी ब्रिज पातशाह लखनवी और ये सारिया जड़िया सी खड़ी बोली उन्हूं मिला के हिंदी देवनागरी बना कोई हिंदी नाँ की जबान नहीं सी लेकिन मन लो ये भी हो गया उन्होंने कहा जी तीसरी चौथी च पहुँचते हैं नैशनल लैंगुएज हिंदी होए और छेवीं च क्योंकि इंटरनेशनल लैंगुएज है इंग्लिश ये होए थ्री लैंगुएज फॉर्मूला हुण जाहिर है कि भी जिहड़े वड्डियां पॉपुलेशनस जिस जबान के आधारित सूबा बनया उहदे बाहर सी उन्होंने ये होया कि भी जिहड़ी एज ए थर्ड लैंगुएज है ऑप्शनल आ गई है ये तो कंपलसरी सी पहली चौथी छेवीं एक सी भी छेवीं दे विच एक सब्जैक्ट ऑप्शनल लैंगुएज का होए फिर ऑप्शनल च उन्होंने ये कहा भी ठीक है जिते 10 दे करीब 10 स्टूडेंट होणगे उस जबान नूं बोलण वाले उत्थे टीचर का प्रबंध किया जाएगा हुण जिहड़ी खबर असी पहलां कश्मीर के हवाले नाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कश्मीर दे विच जाहिर है कि उर्दू उन्हां दी 47 तो पहलां भी जिहड़ी है डोगरा शाही दे वेले भी उर्दू जबान ही सी उहदे विच कोई उत्थे हिंदी नहीं सी चलदी डायलैक्ट सी डोगरी भी सी कश्मीरी भी सी दूसरिया भी गोजरी भी डायलैक्ट रहा है लेकिन जी उही 47 तो बाद भी होया ही तो नहीं सी कि भाई 47 तो बाद शेख अब्दुल्ला ने कोई हरी सिंह डोगरे की जबान बदल दी हूँ जदों का इन्होंने जम्मू कश्मीर नू तोड़ दिता है दो यूनियन टेरेटरी बना दिता है और जिहड़ा लैंगुएज एक्ट तैयार पिया है जिहदे थले उन्होंने हिंदी उर्दू उर्दू तो पहले ही सी उर्दू नू कमज़ोर करन दे लई हिंदी डोगरी कश्मीरी इनू विच पाड़ दिता है और हुण ओह गुजरी वाले भी जिहड़े गोजरी है डिमांड फॉर J&K's गुजर्स फॉर इनकलूजन ऑफ गोजरी अमंग ऑफिशियल लैंगुएज एक्ोज इन डेली एक इन्हों का एम पी बनया होया राज्यसभा दे विच उहदे नाल ये मंग कर रहे हैं जी हुण गोजरी भी लियाओ हुण एज ए डायलैक्ट ठीक पंजाबी बाहर कढ दित्ती जम्मू कश्मीर उर्दू का रुतबा थले कर दिता जदों डोगरी हिंदी विच वाड़ दित्ती उर्दू का वह नहीं है सो ये किवें सिस्टमैटिक तरीके दे नाल लोकां दी तहजीब पछाण नूं खत्म किया जा रहा है अज ये प्रोमिनेंटली खबर है कि राजस्थान दे विच स्कूलां च बंद होएगी उर्दू सिंधी ते पंजाबी दी पढ़ाई संस्कृत होएगा लाजमी विशा हुण इहदे च की है भी उन्हां दा जिहड़ा कोई सौरव स्वामी है डायरैक्टर एजुकेशन दा उन्हें ऑर्डिनेंस जारी कीता है कि भी हुण थर्ड लैंग्वेज दे तौर ते जिहड़ी है क्योंकि हुण जिहड़ी हिंदी है वह उन्हां दी मदर टंग दे थले है सो जाहिर है कि भी जिहड़ी सैकंड लैंगुएज पढ़ाई जानी है अंग्रेजी छेवीं च होएगी वह जिहड़ियां उत्थे जबाना पहलियां पढ़ाईयां जांदियां सी उर्दू सी मुसलमान पॉपुलेशन राजस्थान च साइजेबल है सिंधी सी
सिंधी भी ने उत्थे और पंजाबी सी। हुण उन्होंने ये ऑर्डिनेंस कढ दिता है कि ना उर्दू पढ़ाया जाएगा, कोई टीचर्स का प्रबंध नहीं, ना सिंधी होएगी ना पंजाबी होएगी। और ये गौरव स्वामी ने ऑर्डर कढ़िया कि संस्कृत ही सिर्फ लाजमी तौर के उत्ते पढ़ाई जाएगी, और जिथे उर्दू सिंधी जां पंजाबी पढ़ाई जाती सी उन्हां टीचरां दीआं असामियां अगों तो नहीं भर्ती कीतियां जाणगियां, उन्हां नूं खत्म किया जाएगा। हुण इह इह तों तुसीं देखो कि भी गल कल्ली इह नहीं है कि उन्होंने ये मिथ्या होया कि जी ये वोटां इन्हां नूं पा देण, एक डर पैदा। उन्होंने हौली 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 जे तुहाडी जबान ही नहीं रहिंदी, तुहाडी बोली नहीं रहिंदी, हुण जे तुहानूं उर्दू आंदा ते तुसीं कुरान मजीद पढ़ सकते हो, तुसीं इस्लामिक लिटरेचर पढ़, क्योंकि स्क्रिप्ट अरबी है। जे पंजाबी आंदी है गुरमुखी स्क्रिप्ट दे विच उत्थे जिवें है, ते तुसीं बाणी पढ़ सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हो, अपनी जड़ां दे नाल जुड़ सकते हो, ते उहदे नाल तुसीं जिहड़ा तुहाडा अमीर विरसा है पंजाबी लिटरेचर दा, उर्दू अदब दा, सिंधी जिहड़ी बहुत पुरानी उहनां दा डायलैक्ट, पर जदों तुसीं इह उड़ा के राखी संस्कृत दित्ती है तो फिर वो बोधी रखोगे, तुसी मथे दे तिलक लाओगे, गौ मूत्र पियोगे, और यही जिहड़ी तहजीब जिहनूं ओह तुहानूं तुहाडे बच्चियां नूं पढ़ाया जाएगा कि भाई यही साडी सुपर सिविलाइजेशन है। सो यह है जदों हिंदू राष्ट्र बना देंगे उहदा मतलब यह नहीं है कि जी उन्होंने कोई पार्लीमेंट च रेजोल्यूशन करके इंडिया का नाँ जिहड़ा वो आर्यावर्त रखता है जां हिंदू देश रख दिता है, यह नहीं है। वह सब कुछ बदलण ते आए हुए ने, और जिहड़े जिवें उन्हां दीआं टैक्सट बुक बोर्ड्स दे विच टैक्सट बुक्स बदलियां जा रही हैं, सारे जिहड़े हीरो ने टीपू सुल्तान होए जां ईवन 1857 जिहनूं इही पहलां रौला पाउंदे रहे कि इह जी स्वतंत्रता संग्राम है, इह साडा आज़ादी की लड़ाई सी, पर उहदे च वड्डा रोल जिहड़ा उह मुसलमान फौजियां दा वी सी, सिपाहियां दा, उहनूं कहिंदे सिपाहे म्यूटनी सी, जिहड़े बुढ़े नूं फसाया इन्हां ने बहादुर शाह जफर नूं, जिहड़ा मुड़ के बेचारा उत्थे बैठा रंगून दे विच कहिंदा रहा कि भी लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, जां ये चाहना कीती कि भाई दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। हुण ये जिहड़ा सारा वो सब गायब ने, हुण उहदा उहनां दे हीरो राणी झांसी बाई है, तांतिया टोपे है, मंगल पांडे है, सो वो भी बाहर, ते सिखां दा सारा जिहड़ा इतिहास है उन्हों तो हिंदुत्ववाद, महाराजा रणजीत सिंह भी हिंदुत्ववाद के खाते जे भुगतान की कोशिश करते हैं, और उस सारे अंदाज दे विच फिल्मा भी बना रहे हैं, और जिहड़ी इन्हां दी नॉन एग्जिस्टेंट हिस्टरी है, कदे वो पद्मनी बना दित्ती, अलाउद्दीन खिलजी नूं की बनाया होया, और इसे तरीके नाल ईवन जिहड़े नवें ये तैयार करवा रहे हैं अपने सारे सिलेबस और दूजे। सो ये है उहदा मतलब सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र नां रख देना नहीं है। हुण असीं देखणा है कि भाई असीं ये जड़ा तहजीबी तौर दे उत्ते बदला बदल देना है सब कुछ, इनू इदा हल तो खालिस्तान है साडे लई, कश्मीरियां दी आज़ादी, और भारत दे 200 मिलियन मुसलमान जिन्हां दे उत्ते CAA NRC वो कानून थापे, और हुण फड़ोफड़ी दा दौर दौर है कि वो किवें इनू रिस्पोंड करनगे, अदरवाइज ये तो जड़ा अपने च डबो लैणगे अपनी इस हिंदुत्ववाद दी उस सारी उस टोए दे विच। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत लेने ब्रेक व्यूअर्स, तो सना इसी तरह ही बने रहना, मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद।